और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुरादाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार सर्वेश सिंह का निधन हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह, जो कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे और अब कहा जा रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और बीजेपी के लिए जाहिर है कि एक झटके के तौर पर इसे देखा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नॉमिनेशन के एक दिन बाद से सर्वेश किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। उसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अब कहा जा रहा है कि वहां के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने जानकारी दी है। यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको ये बताते चले कि सर्वेश सिंह कई जो जनरल सभाएं भी हुई जहां पर तमाम बीजेपी के जो दिग्गज थे वो प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब जानकारी है कि सर्वेश सिंह जो कि इस दौरान तमाम जगहों पर नहीं थे, अब खबर है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मोहम्मद अली मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली, और क्या कुछ डिटेल्स है? सर्वेश सिंह का निधन हो गया और बहुत लंबे वक्त से हम देखे तो किसी सार्वजनिक सभा में वो शामिल नहीं हो रहे थे। उनकी तो बात हुई थी, सुशांत जो उनके बेटे हैं, विधायक है, मौजूदा विधायक भी हैं, उन्होंने जानकारी दी थी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से उनको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था। उसी दौरान आज अभी पता चला है, थोड़ी देर पहले उनके मीडिया प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी संजय डाका जी ने उन्होंने पुष्टि की है कि जिसकी वजह से उनका एम्स में हार्ट की वजह से उनका निदान हो चुका है। अभी वो दिल्ली के एम्स में है। क्या अभी तक कुछ प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई, फैमिली मेंबर से अगर कुछ बातचीत हुई हो तो? नहीं मैम, क्या बात करने की कोशिश की गई मगर अभी किसी से बात नहीं हो पा रही है। अभी उनके एक भतीजे हैं अमित, उन्होंने भी यही बताया कि निधन हो चुका है, बाकी वो ज्यादा पुष्टि कर नहीं पा रहे, वो फोन कट कर दिया और उसके बाद कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। ठीक है, इसको लेकर बहुत डिटेल्स का इंतजार करना होगा। लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर तो पहले चरण के तहत मतदान हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, अगर किसी अधिकारी से इस संदर्भ में अगर कोई बातचीत हुई हो तो? मैम अभी किसी से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, न किसी से कोई जानकारी हो पाई है कि आगे की प्रक्रिया के बारे में। अभी जैसे भी कॉन्टेक्ट होगा तो आपको इत्तला की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो कोई जानकारी उस तरीके से निकल करके सामने नहीं आई, और जाहिर है कि एक बहुत दुखद घटना है परिवार के लिए भी, तो इसीलिए परिवार के लोग भी अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपको ये बताते चले कि मुरादाबाद में फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ था और अब खबर सामने आ रही है, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि दिल्ली के निजी अस्पताल में सर्वेश सिंह का निधन हो गया। अलीम, क्या इसको लेकर के जानकारी है कि क्या बहुत पहले से वो बीमार चल रहे थे, क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर के पहले भी कोई खबर सामने आ चुकी थी, क्या मेडिकली वो उतने फिट नहीं थे? मैम फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश की गई थी मगर उस दौरान ये नहीं बताया गया था कि उनकी कोई इतनी ज्यादा तबीयत खराब है जिसकी वजह से कोई हालत दिखने को बात की गई है, मगर उन्होंने ये बताया, उनके घर परिवार से ये बात हुई तो उन्होंने ये बताया था कि दाढ़ में दर्द है उसकी वजह से वो ज्यादा बात करे, उसमें ऑपरेशन वगैरह कुछ बताया था, बाकी ये नहीं बताया था कि उनकी ज्यादा तबीयत खराब थी जिसकी वजह से वो फील्ड में भी नहीं आ पा रहे थे। इस तरीके बस ये बताया जा रहा था कि डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने को, तो बस रेस्ट के ही बारे में ज्यादा जानकारी दी गई थी, इसके अलावा पता कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के रतुपुरा गांव के रहने वाले सर्वेश सिंह, जो कि 5 बार विधायक रह चुके हैं, 2014 में मुरादाबाद से बीजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद भी बन चुके हैं, 2019 में हालांकि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन से हार का सामना करना पड़ा था और इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में थे लगातार तीसरी बार, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि सर्वेश सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार की तरफ से क्या कहा जाएगा वो देखना होगा, लेकिन आपको ये बताते चले कि मुरादाबाद से जहां पर पहले चरण के तहत कल वोटिंग हो चुकी थी, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार सर्वेश सिंह का निधन हो गया। ये बड़ी जानकारी है और जाहिर है कि अली में एक बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि सांसद का चुनाव तो उन्होंने तीसरी बार वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन इससे पहले विधायक के तौर पर भी 5 बार उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका मिला। विधायक रह चुके हैं, अपने
मीन जी उसने 5 बार विधायक और अपने बेटे को भी उन्होंने विधायक की लड़ाई है। 2 बार उनके बेटे विधायक रह चुके हैं, 1 बार वो खुद सांसद बन चुके हैं और 2019 में उन्होंने अब डॉक्टर एस की असम से हार का सामना करना पड़ा था उन्हें और इसी को लेकर के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा था और इसी को लेकर वह स्वास्थ्य वगैरह सब चीज ठीक था और उन्होंने एक नामांकन कराने के टाइम पर भी 2 लाख वोटों से जीतने का आंकड़ा भी बताया था। उसी दौरान फिर उसके बाद वो फील्ड में नहीं आ पाए और घर परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने सिर्फ यही बताया स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो आसपास के गांव क्षेत्र में घूम रहे हैं, बाकी मुरादाबाद शहर के आसपास उन्हें नहीं देखा गया था। अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से वो आश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे, हालांकि 4 जून को तो नतीजे आने वाले हैं, लेकिन अगर उन्हें लोगों का समर्थन मिला उसके बाद कैसी परिस्थितियां बनती है, क्या फैसला लिया जाता है वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका अलीम, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।